यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया गाओ, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। अब गाइए भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, अब गाइए भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया, यीशु का नाम भारत में हालेलुया। अपने राज के लिए गाएंगे, यूपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, यूपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, यूपी में हाले। अपने शहर के लिए लखनऊ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, विश्वास से गाइए लखनऊ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया, हो कैसा प्यारा यीशु का दिला।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम में मुक्ति है, आप ही के नाम से हमें रिहाई मिलती है, आप ही के नाम से हमें पापों से छुटकारा मिलता है, आप ही के नाम में चंगाई और रिहाई है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे जीवन को सर्वदा के लिए बदल दिया। प्रभु यीशु ये गवाही हमें दी है कि आप स्वर्ग के उस सिंहासन को छोड़ के आए प्रभु, और उस क्रूस को अपनाया, अपना लहू बहाया प्रभु यीशु, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें, ताकि हम आपको जान सके। प्रभु यीशु अपनी जीवन से, अपनी जिंदगी से आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु। आइए इस गीत के द्वारा अपनी इस गवाही को गाएं कि हमें यीशु जब मिला तो सब कुछ मिल गया। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। फिर से गाइए, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। धन्यवाद यीशु, तो जीवन में सब कुछ मिला। ये हमारी गवाही है। भटक रहा था मैं अंधेरी राह, तन्हा के जाता के घर, भटक रहा था मैं अंधेरी राह, तन्हा के खोजते मुझको यीशु जलाया, खोजते मुझको यीशु जलाया, और जीवन में सब कुछ मिला। धन्यवाद यीशु, ओ जीवन में सब कुछ मिला। जितनों को यीशु मिला है वो गाएं, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। धन्यवाद यीशु, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मेरा। धन्यवाद यीशु, और जीने का मकसद मेरा। सब गए, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। आमेन, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। थोड़े सारे जकड़ से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु यीशु, उस पाप का जो बंधन था हमारी जिंदगी में उसको तोड़ा है आपने यीशु, और हमें आजादी दी है पाप से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जो जीवन आपने दिया है हमको, उन्हें पाए कि हम उसके द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा आपको महिमा दे सके प्रभु, आपकी आराधना कर सके प्रभु, अपने जीवन के द्वारा, अपने बातचीत में, जब हम लोगों से मिलते हैं, आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु। यही हमारी सच्ची आराधना है। Yeah.
योग्य है उसकी आराधना करें, वो स्तुति के योग्य है उसकी आराधना करें, वो हर एक प्रशंसा के योग्य है उसकी आराधना करें, वो काबिल प्रभु यीशु है उसकी आराधना करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और एक घटना वहाँ पर है जो हम सबको बहुत कई बार हमने पढ़ा होगा उस वचन के भाग को कि यीशु मसीह एक अंजीर के वृक्ष को श्राप देता है। कर्सिंग द फिग ट्री का एक दृष्टांत वहाँ पर मौजूद है, अंजीर के वृक्ष को श्राप देने का दृष्टांत वहाँ पर यीशु मसीह का मौजूद है। अगर आपको याद हो वरिष्ठ पासवान ने इस अध्याय से एक प्रचार भी किया था, द पावर ऑफ अ फेथफुल प्रेयर, एक विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है। तो मैं उसी संदेश को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उसी में इस दृष्टांत को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वें वचन से हम इस दृष्टांत को देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था और उसने
उस अंजीर के वृक्ष को देखा और जब उस पर फल नहीं पाया तो उसे श्रापित किया। और बाद में हम देखते जब वो वापस यरूशलेम से वापस लौट रहा था, तब उसके चेलों ने देखा कि इसमें तो जड़ तक वो सूख चुका है और उस पर कभी फल नहीं लगेगा। राइट, हम में से कई लोगों ने इस वचन के भाग को कई बार पढ़ा है ना सबने, बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी हैं तो पक्का पढ़ा होगा। और कई बार आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो यीशु मसीह जो बच्चों से प्यार करता है, कहता है इन बच्चों को मेरे पास आने दो, वो यीशु मसीह जो अंधों को आंखें देता है, रोगियों को चंगा करता है, वो यीशु मसीह अचानक से इतना कठोर क्यों? राइट, कभी आप सोचा कि नहीं सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि अचानक से प्रभु इतना कठोर क्यों हो गया। और तब जब उस अंजीर के वृक्ष पर फल लगने का सीजन भी नहीं था, मौसम भी नहीं था, तब भी यीशु मसीह इतना कठोर क्यों हुआ? मैंने कुछ लोगों को सुना इस वचन के भाग को लेकर प्रचार करते हुए, उन्होंने बोला जैसे कई बार होता है ना, वी हैव अ बैड डे, हमारा दिन थोड़ा सा खराब बीतता है तो हम थोड़ा सा वैसे बिहेव करने, तो कहते जीसस मस्ट बी हैविंग अ बैड डे, उनका एक्सक्यूज यीशु का एक दिन। मैंने बोला यार जीसस इज नॉट ह्यूमन, आई मीन कि वो इंसान है, लेकिन उसी समय हमें समझना है कि वो परमेश्वर भी है, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। राइट, और वो हमारी तरह नहीं है कि आपका दिन बुरा बीता तो आप जिसको जो चाहो बोल दो, जो चाहो कर दो तो वो वैसा करेगा। राइट, तो मैं इस बात को उनके प्रचार से जो मैंने देखा और जो प्रकार का उन्होंने पृष्ठभूमि, मैंने कहा मैं इसके संग आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ कि यीशु मसीह का कोई दिन बुरा बीता और इसलिए उसका मूड खराब होगा और उसने उठाकर उस पेड़ को देखा और उसको गुस्सा आया तो उसने श्रापित कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं मानता। और उसके बाद मैं इस वचन के भाग को पढ़ने लगा और पढ़ा, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा ये सच अच्छी बात है क्योंकि हमें भी जानना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला। बाइबल में जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं, तिमुथियुस की पुस्तक, दूसरे तिमुथियुस में हम पढ़ते हैं 3:16-17 में कि परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा के द्वारा। राइट, तो परमेश्वर के जितने दास हैं जिन्होंने बाइबल को लिखा है, इन 66 किताबों में जितने लोग मौजूद हैं, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा प्रकाशन को पाकर उन्होंने उन किताबों को पूरा किया। और हर किसी का लिखने का अंदाज कुछ अलग था, कुछ लिखने का तरीका अलग था, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि में अलग अलग समय में बड़ा हो रहा था। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यूहन्ना का अगर सुसमाचार पढ़ेंगे, कई सारे पुराने नियम के दृष्टांतों को वो लाता है। यूहन्ना 7 बार उसके सुसमाचार में 7 बार मैं हूँ, आई एम सेइंग्स हैं, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जीवन का सोता मैं ही हूँ, ऐसे कई बार 7 बार आई एम सेइंग्स हैं, मैं हूँ। और यूहन्ना वो दिखाना चाहता है कि कैसे पुराने नियम से, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं फिरौन को क्या बताऊं, मुझे किसने भेजा है, तब परमेश्वर ने उससे कहना मैं हूं जो हूं, तो वो उसी मैं को नए नियम में लाकर दर्शा रहा है। वो दिखाना चाहता है कैसे वो यहोवा नए नियम में, हम प्रभु यीशु मसीह में उसका इनकार्नेशन देहधारी हुआ है। राइट, दूसरा उदाहरण अब देखिए, यूहन्ना की पहली पत्री में पहले ही वचन में, आदि में वचन था, इन दी बिगिनिंग, यही वचन इब्रानियों की पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आदि में, वो कनेक्ट कर रहा है पुराने नियम की प्रोफेसीज को, भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह के संग, कैसे प्रभु यीशु मसीह में वो सारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो हर लेखक का लिखने का तरीका अलग है। तो जो मरकुस का सुसमाचार है, मरकुस का लिखने का तरीका अलग है और उस विषय में हम बात करेंगे आज की सुबह। उसने जब इसको लिखा, इस वचन को जब वो लिख रहा था प्रेरणा में आकर पवित्र आत्मा के, तो वो क्या कहना चाह रहा था, किस संदेश को बोलना चाह रहा था अपनी ऑडियंस को, अपने जो पहले सदी के जो उसके लेखक थे या पढ़ने वाली जो ऑडियंस थी, जनता थे, विश्वासी थे, उन तक वो क्या संदेश पहुँचाना चाह रहा था, ये हमें समझना है। मरकुस की पूरी जो सुसमाचार है उसके लिखने के तरीके को हम कहते हैं मार्कन सैंडविच। सैंडविच जानते हैं आप क्या होता है? सैंडविच, दो ब्रेड के टुकड़ों के बीच में आप एक फिलिंग को रखते हैं जो आपको पसंद हो। ऊपर एक लेयर एक ब्रेड की होगी, नीचे एक लेयर एक ब्रेड की होगी, और बीच में आप
सब्जियाँ, आलू, जिस तरीके का सैंडविच खाना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो जो मार्क है या मरकुस है, उसके सुसमाचार में हम सैंडविचेस को देखते हैं, जिसको हम लोग मरकुस का सैंडविच कहते हैं। क्या कर रहा है वो? एक कहानी को दर्शाते हुए अचानक से वो दूसरी कहानी को ले आएगा एक बात को साबित करने के लिए, और फिर वापस उस कहानी पर आ जाएगा। उदाहरण आपको देखना है, आप पढ़ सकते हैं घर जाकर, मरकुस में ही पांचवें अध्याय में आप देखेंगे जायरस, या उसकी बेटी थी, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, और उसके बाप जो है यीशु मसीह के पास जाता है, मेरी बेटी को चंगा कर दे। तो यीशु, वहां बाइबल में लिखा यीशु मसीह उसके संग चलने लगा, और अचानक से उस स्टोरी में कौन बीच में उस कहानी में आ जाता है? एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। समझ रहे हैं? चंगाई की बात हो रही है उसकी बेटी की, और यीशु मसीह जा रहा है, और अचानक से मरकुस ले आता है एक स्त्री की कहानी को जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। जायरस की जो बेटी थी उसकी उम्र 12 साल थी, जिस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी उसको 12 साल, दोनों स्त्री में एक महिला के संग यीशु मसीह डील कर रहा था, ठीक है। दोनों ही परिस्थिति में दोनों लोग अशुद्ध थे, क्योंकि यहूदी नियम व्यवस्था के अनुसार एक मरी हुई डेड बॉडी जो है वो अनक्लीन है, अशुद्ध है, और एक स्त्री जिसको लहू बहने का बीमारी है वो भी अशुद्ध है। तो दोनों परिस्थिति में यीशु मसीह अशुद्ध लोगों के संग बातचीत कर रहा है। तो उसका तरीका ये लिखने का, जब वो अपने सुसमाचार को लिखता है तो कई सारी बातों को साबित करने के लिए एक कहानी को शुरू करेगा, और बीच में दूसरे दृष्टांत को, दूसरी कहानी को ले आएगा अपने बात को साबित करने के लिए। तो मरकुस रति सुसमाचार 11वें अध्याय में क्या हो रहा है, यही उसने किया है। उसने एक सैंडविच बना दिया। उसने क्या किया? यीशु मसीह, हम देखते हैं 11वें अध्याय में, यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश। यीशु मसीह कहां प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोग बड़ा हल्ला गुल्ला उसका स्वागत करते हैं, और उसके लिए पत्तियां बिछा देते हैं खजूर की, और उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से उसी रास्ते में वो देखता है एक अंजीर के वृक्ष को। फिर उसके बाद जब ये कहानी अंत हो रही है, फिर से वो उस अंजीर के वृक्ष पर आ जाता है। तो ये कहानी का सैंडविच क्या है? अंजीर का वृक्ष और बीच में यरूशलेम। तो कुछ तो वो कहना चाह रहा है कि यरूशलेम में हो रहा है, जिसको प्रभु को नहीं चाहता यीशु मसीह की हो, कुछ तो यरूशलेम में ऐसा हो रहा है। क्या साबित करना चाहता है? आज की सुबह मैं इस विषय में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी फल के पेड़ को देख लें तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी आम के पेड़ को देखा आपने, और आम बहुत पीला दिख रहा हो आपको, पका हुआ दिख रहा, आपका मन क्या करेगा? आपके अंदर एक टेम्पटेशन आएगी, लालच आएगा, इसको तोड़ लो। मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं देखता हूँ तो भाई मैं इंसान हूँ तो मुझे लगता है काश ये, इसको मैं तोड़ लूँ, राइट? क्योंकि पका हुआ आम है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मैं इसे खाऊंगा ना, ये बहुत रसीला और बहुत मीठा होगा। एक बार क्या हुआ, जो मेरा बेटा है अभी छोटा है, तो उसको अंगूर में डिफरेंस, प्लास्टिक का अंगूर और ओरिजिनल अंगूर में डिफरेंस नहीं पता है। तो एक कार में वो अंगूर का गुच्छा लटका था, ठीक है, मेरे बेटे ने देखा और वो उसने जिद कर लिया कि वो अंगूर खाना है। अब मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन वो माना नहीं, तो फाइनली मुझे उसको उस कार में बैठाना पड़ा, और उसने जब अंगूर मुँह में रखा तो उसको समझ में आया कि ये नहीं है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हो रहा है। यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष की ओर देखता है, वो बहुत हरा है, और यीशु मसीह को ये आशा है कि इसमें पक्का फल होगा, और वो जाता है लेकिन उसकी आशाएं टूट जाती हैं, राइट? जैसे मेरे बेटे की टूट गई जब उसने उस प्लास्टिक के अंगूर को देखा, राइट? तो ऐसी कुछ अपेक्षा, ऐसी कुछ चीजें कर रहा है कि कई बार क्या होता है, कई सारी वास्तविक चीजें एक ऐसा दिखावा करती हैं कि वो सच है लेकिन वो सच है नहीं। उदाहरण, कई सारे मसीही लोग, हम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कई सारे मसीही लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बड़े आत्मिक हैं, उनका प्रभु के संग बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता है, बाहर से बहुत वो हरे भरे दिखते हैं लेकिन अंदर सब खाली है। जब आप नजदीक जाओगे तो पता चलेगा कि यार इसमें तो फल ही नहीं है। ये समझ रहे हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है मरकुस? ये दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों प्रयोग किया है, क्यों हो रहा है? आइए हम 11वें अध्याय को पढ़ लेते हैं। पहला 11वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपके पास अपना बाइबल्स है तो कृपया कर वचन पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। 11वां अध्याय पहले वचन से,
जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पास आए, जैतून पहाड़ पर बतफेगा और बेथनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र ही उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर कर फैला दी। जो उसके आगे जाते पीछे पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होसना। यह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैतनी आ गया क्योंकि सांझ हो गई थी। तो अब पृष्ठभूमि क्या तैयार हो रहा है इस वचन का, किसी भी वचन का जो अर्थ है उसी वचन में मौजूद है ना। तो पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहा है तो लोग बड़े खुश है। कोई डाली काट के ला रहा है खजूर की, कोई कपड़े बिछा रहा है रास्ते में और क्या चिल्ला रहे, होसना, क्योंकि क्यों, हमारे दाऊद का राज्य, ये कहते हैं ना वो, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, यानी परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह का आगमन का मतलब यरूशलेम में क्या था, वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आ रहा है। एक घोषणा, एक खुशी का समय। और यीशु मसीह क्या करता है, यरूशलेम में पहुंचकर देखता है कि शाम हो चुकी है, मंदिर बंद है, तो वो बैतनिया की ओर निकल जाता है। अब इस पृष्ठभूमि में 12वां वचन आता है और कहता है, दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया क्योंकि कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया क्योंकि फल का समय ना था। समझ रहे हैं आप, फल का समय भी नहीं था और बाइबल खुद कह रही है फल का समय नहीं था, तो पत्तों को छोड़ यीशु मसीह को वहां कुछ नहीं मिला। इस पर उसने उससे कहा, आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाएगा, और उसके चेले सुन रहे थे। अब आपने देखा, अभी तक वो बात कर रहा है यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश की और अचानक से उसने सारी घटना को बदलकर इस दृष्टांत को बीच में ले आया। ये है मरकुस का लिखने का तरीका, जब वो अपने सुसमाचार को लिखता है वो कई बार एक बात को साबित करने के लिए दूसरी कहानी को बीच में ले आएगा ताकि वो पहली बात को समझा सके कि क्यों यरूशलेम में उसका जाना महत्वपूर्ण था और यरूशलेम में हो क्या रहा था। इसीलिए वो इस दृष्टांत को, अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत को बीच में ले आया। उसके बाद 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और जो वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्फों को के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश कर उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुए का कोह बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर से वो नगर में आया, ये दृष्टांत आया, और फिर से सांझ होते हुए नगर के बाहर चले गया, यानी यरूशलेम, अंजीर का दृष्टांत, और फिर से यरूशलेम के बाहर। समझ में आया आपको, इस तरीके से मरकुस अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा है ताकि हमारे समझ में आए वो कहना क्या चाहता है। यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास पहुंचा और उसकी जांच करी, जब उसको इंस्पेक्ट किया, जांच करी, तो वो निराश हो गया। आपको पता है क्यों निराश हुआ? ऑल एक्सपेक्टेशंस बट नो सेटिस्फैक्शन। उसको आशा थी कि इसकी पत्तियां हरी हैं तो इसमें फल जरूर होगा, लेकिन जब वो उस आशा के संग पेड़ के संग निकट पहुंचा तो सारी उम्मीदें थी लेकिन कोई संतुष्टि नहीं।
उसके लिए उसके पास फल ही नहीं था कि वो यीशु मसीह को संतुष्ट कर सके। कैसे हम लागू करें? जैसा मैंने शुरुआती उदाहरण दिया, कई मसीह हम सब बड़े हरे भरे हैं, जब हमारे निकट आता है ना कोई, तब उनको पता चलता है कि हम असलियत में कैसे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा का फल हमारे जीवनों में वो फल नहीं है। हम हरे भरे हैं, संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, कभी कभी बाइबल भी पढ़ लेते होंगे, तो थोड़ा बहुत हरापन रहता है। लेकिन जब प्रभु निकट आने की कोशिश करता है तो क्या देखता है? यार आशा तो बहुत थी लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? इसी तरीके का दृष्टांत वहां पर चल रहा है। और जबकि यीशु मसीह को वो पेड़ तृप्त नहीं कर पाया, बिकॉज जीसस वॉज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड गेट फ्रूट, उसे फल मिलेगा, तब यीशु ने आगे बढ़कर क्या कहा? उस पेड़ को श्रापित किया, यहां तक ये बोल दिया कि अब तुझसे कभी कोई फल नहीं खाएगा, नहीं तो जड़ तक सूख गया। राइट? अब हमारे समझ में नहीं आता है कि ना तो फल देने का सीजन था ना मौसम था, फिर भी यीशु मसीह ने, एक ऐसा परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, बच्चों को अपने पास आने की अनुमति दे देता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, एक ऐसा परमेश्वर, एक वृक्ष को, वो भी जब मौसम नहीं था। तो हमें समझना है कि एक दृष्टांत का प्रयोग कर रहा है यहां पर मरकुस, और क्यों इसका प्रयोग कर रहा है। अगर हम इस वचन को ऊपर से पढ़ें तो मानो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को विश्वास की प्रार्थना करना सिखा रहा है। राइट? अगर सर्विस लेवल पे पढ़ते हैं तो यही है, उसमें कोई बुराई नहीं, हम सीख सकते हैं विश्वास से कैसे प्रार्थना करना है, एक संदेश ये भी है सर्फिस लेवल पे। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा और अध्ययन कर पता चलेगा तो कुछ और हो रहा है। पहली चीज, अगर हम फल नहीं लाते तो हमारा न्याय किया जाएगा। फ्रूटलेसनेस विल लीड टू जजमेंट। अगर हमारे जीवनों में फल नहीं लग रहा है, गलातियों की पत्री 5:20 से आप पढ़ेंगे कि शरीर के काम तो ये है लेकिन आत्मा का फल ये है। अगर हमारे जीवनों में फल नहीं है तो प्रभु हमारा न्याय करेगा। चाहे हम कितना ही यीशु यीशु बोल लें, संडे को पक्का अटेंडेंस लगा लें, लेकिन अगर हमारे जीवनों में फल नहीं है तो वो हमारा न्याय करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:15, सच्ची दाखलता मैं हूं, तो मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, और तब तुम बहुत सफल लाओगे। और फल लाने का तरीका क्या है? प्रभु मसीह यीशु में बने रहना। और उसमें बने रहने का क्या तरीका है? उसके वचन को पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, उस पर मनन करना, प्रार्थना में बने रहना, विश्वास की बाट को जोते रहना। पहली चीज जो इस पूरी कहानी से, इस पूरे दृष्टांत से जो हमें यूहन्ना मरकुस बताना चाह रहा है वो ये है कि हम अगर फल नहीं लाते तो हमारा न्याय किया जाएगा। आर फ्रूटलेसनेस विल लीड टू जजमेंट। पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइल को ना एक दाखलता कह के बुलाया है। कई जगह आप पुराने नियम में इस बात को नोट कर सकते हैं। अगर आप न्यायों की पुस्तक 9:8-15 तक पढ़ें, यशिया नबी 3:14, यरेमिया नबी 12:10, इजीकियल नबी 17:2-10 तक, ये सारे भविष्यवक्ता इसराइल को दिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर की दाखलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को चुना था कि वो गैर यहूदियों के बीच, ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों के बीच रहकर फल लाएं और उनके फलों को खाकर चखकर लोग परमेश्वर को चखने पाए। ये था परमेश्वर की योजना इसराइल के जीवन से पुराने नियम में, ठीक है। और एक सच्ची दाखलता का तभी, जब आप यूहन्ना जो प्रयोग कर रहा है ना 15 में, सच्ची दाखलता मैं हूं, वो इस उदाहरण को पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं से ला रहा है, जहां पर परमेश्वर ने इसराइल को एक सच्ची दाखलता होने के लिए ठहराया था, लेकिन उस उद्देश्य में वो असफल हो गए। अगर आप न्याय की पुस्तक पढ़ोगे, हर अध्याय, लगभग हर अध्याय इस वचन से समाप्त होता है, और अंत में लोग फिर से परमेश्वर से मुख फेर लिया और जैसा जिसको अच्छा लगता था वो वैसा करने लगे। इन द एंड अगेन दे टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड एंड एवरीबडी डिड एज दे लाइक्ड। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने उनको सच्ची दाखलता होने के लिए बुलाया, टू बी अ ट्रू वाइन, टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उदाहरण, ताकि उनके फल को देखकर
दूसरे यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को चखने पाए, लेकिन उसमें भी वो असफल हो गए और उनका ना फल लाना परमेश्वर के श्राप को उनके ऊपर लेकर के आया। इस बात को आप व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 17वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे विरुद्ध बलवा करोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरा श्राप आएगा। रेबेलियंस अगेंस्ट गॉड विल ब्रिंग हिज कर्स। परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना उसके श्राप को लाएगा। और ऐसा इसराइल के संग हुआ। हम सब जानते हैं असीरियन कैप्टिविटी, असीरिया में वो दासवत में रहे, बेबीलोनियन कैप्टिविटी, बाबुल उन्हें दासवत में ले गया, कितने अलग अलग राज्यों के गुलाम बनकर रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। कहां असफल हो गए? सच्ची दाखलता बनने में। परमेश्वर की योजना क्या थी? कि मैं तुझे सच्ची दाखलता ठहराता हूं, ताकि गैर मसीहों के बीच में भी तू एक सच्ची दाखलता ठहरे, तेरे फल को देखकर लोग मुझे स्वर्ग में महिमा देने पाए। यही तो बाइबल बताती है नए नियम में, राइट? आज कितने लोग आपको देखकर आपके परमेश्वर को स्वर्ग में महिमा देते होंगे, सोचने की बात है। सवाल मुझको उत्तर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सवाल मैं भी पूछता हूं प्रभु से, प्रभु क्या मेरे जीवन से आप खुश हो? अगर ऐसा कुछ है जो नहीं है तो उसे काट कर अलग करो, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। क्योंकि ये होना कि सुसमाचार में लिखा है 15वें अध्याय में कि मैं तुझे काटूंगा एक कटाई की उससे लेके, जो कि जिस पेड़ की कटाई और छटाई की जाएगी उसी में फल अच्छी तरीके से अगले साल आता है, राइट? अगर आप किसी एप्पल गार्डन में जाओगे तो उसकी कटाई छटाई की जाती हर साल फ्रूट के सीजन के बाद, ताकि अगले सीजन में वो और अच्छा फल ला सके। लेकिन आज के दिन जब लोग हमें बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं? परमेश्वर की दाखलता परमेश्वर के लोगों के रूप में, या दिखावटी अंजीर के वृक्ष के समान जो हरे तो दिखते हैं लेकिन बाइबल में लिखा है वो पुती हुई कब्रों के समान है, फरीसियों के लिए कहते हैं ना। क्या हम भी वैसे ही हो गए कि हमारे बाहरी रूप से तो हम बड़े आत्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से कोई फल ही नहीं है, राइट? वो तो तब पता चलेगा जब व्यक्ति आपके नजदीक आएगा और आपको आपके संग जीवन बताएगा, तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या सच में वो मसीह है कि नहीं। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर यह हो रहा है, मरकुस हमारा ध्यान किस ओर खींचना चाहता है? वो ये खींचना चाहता है कि जिस प्रकार पुराने नियम में इज़राइल को सच्ची दाखलता होने के लिए ठहराया गया और वो असफल हो गए, अब कोई एक ऐसा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है जिसके द्वारा ये संभव हो पाएगा, जो परमेश्वर की सच्ची दाखलता होकर हमारे बीच रहेगा और इस बात को दर्शाएगा, और वो था यीशु मसीह। वो पुराने नियम से कनेक्ट कर रहा, देखिए वो सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है वहां पर, लेकिन हमारी दुविधा क्या है? हम वही नए नियम में सिमट के रह जाते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि सारी बातों की पुराने नियम में पहले से ही भविष्यवाणियों में बन चुकी है। समझ में आया आपको? उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से एक समय आ रहा है। यशया नबी की पुस्तक 27वां अध्याय 6वें वचन में इस प्रकार यशया नबी कहता है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर के लोग फल देंगे और उससे पूरा संसार आशीषित होगा। There will come a time, the time had come for God's people to yield fruit that would bless the world. परमेश्वर के लोगों के लिए एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसा फल वो देंगे कि जिससे पूरा संसार आशीषित होगा। क्या आज के दिन हम लोग अपने जीवन से फल दिखा पा रहे हैं कि संसार आशीषित होने पाए? मैं सताव की बात नहीं कर रहा हूं, सताव तो हमारा वादा है, सताव तो होगा, है ना? लेकिन क्या इस बीच भी हम अपने फल को प्रकट कर पाते हैं, या कहते हैं इनके लिए क्यों प्रार्थना करें, ये तो हमें जेलों में डालते हैं, राइट? इनके लिए क्यों प्रार्थना करें क्योंकि ये तो हमें गाली बकते हैं। वेयर इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट? फल कहां पर है? बाइबल कहती है जो तुझे श्राप दे तू उसको, थोड़ा तेज बोलिए, उसके लिए आशीष दे, प्रार्थना कर। और हम क्या कहते हैं? मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरे विरुद्ध है। क्या ये परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से? मैं कहता हूं जो आपको ये करता है ना उसके लिए और ज्यादा प्रार्थना करो, और ज्यादा आशीष दो, सो दैट ही कैन सी द फ्रूट फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन से वो परमेश्वर के फल को देखने पाए। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि को जब मरकुस
अपनी ऑडियंस के लिए, अपने जो पहली सदी के उसके विश्वासियों के सामने प्रस्तुत करता ना, अचानक से उनके दिमाग के बल जल गए होंगे कि अरे ये तो पुराने नियम में इसराइल की बात हो रही है और मरकुस उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा है कि प्रभु ने हमें दाखलता होने के लिए ठहराया और जब इसराइल फेल हो गया तब परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा ताकि उस जगत के लिए ज्योति और सच्ची दाखलता बनकर प्रकट हो जाए। जब हम फेल हो जाते हैं ना, और हमारे फेलियर के कारण जो है परमेश्वर ने अपने देहधारी हुआ अपने पुत्र को भेजा कि वो बलिदान हो। मेरे को ये जब ये वचन पढ़ता हूँ ना, ये मुझे लगता है कॉल टू मिशन, ये सेवा के लिए एक पुकार है ये वचन मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात को कहा है, तेरे जीवन से ना, हमारे फल से लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग की ये कौन है। आजकल हमारे कामों से लोग जानते हैं हम कौन है। ये तो झूठ बोलने वाला मसीह है, ये चोरी करने वाला मसीह है, ऐसे जानते हैं लोग हमको बाहर। वॉट इज आर एग्जाम्पल आउटसाइड, हमारा बाहर उदाहरण क्या है, कैसे लोग हमें जानते हैं, और वो हमारे कामों से हमारे फल से हमें जानेंगे। यीशु ने, नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने हमें फल लाने के लिए बुलाया है। पूरे नया नियम में अगर आप पढ़ेंगे कई बार इस बात को हम देखते हैं। और यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना एक नए एक्सोडस को दर्शाता है, एक नए निर्गमन को दर्शाता है, एक नए, जैसे एक्सोडस में वो मिस्र से बाहर निकलकर कहाँ आ रहे थे, परमेश्वर के वाचा के देश, वैसे यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करने का वो क्या कह रहे थे, दाऊद का राज्य, यानी परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर एक नए एक्सोडस की ओर, एक नए निर्गमन की ओर उन्हें अपने राज्य की ओर ले जा रहा था। और परमेश्वर जब यरूशलेम में घुस रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, खूब हल्ला, खूब नारेबाजी, खूब उसके लिए कपड़े बिछाना। लेकिन जब आगे पढ़ते हैं तो जब मंदिर में घुसा तो क्या हुआ, अगले दिन जब मंदिर में हुआ तो क्या हुआ, लोग कबूतर बेच रहे हैं, है ना। वहां पर ज्वेलर जो है ब्याज में पैसा देना, सरफा लोग जो है ब्याज में पैसा देना, तो उसकी सारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसकी आशा क्या थी कि जब मैं मंदिर में जाऊंगा तो मंदिर किस चीज का देश भवन कहलाएगा, सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। लेकिन जब वो मंदिर में पहुंचता है तो वही अंजीर के वृक्ष का हाल हो जाता है। दूर से तो मंदिर बड़ा आत्मिक दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, यहूदी और फरीसी बड़े प्रार्थना करने, लेकिन जब अंदर पहुंचा तो क्या चल रहा है, बिजनेस, व्यवसाय। आप समझ में आया आपको क्यों वो कहां से उस दृष्टांत को ला रहा है, वो मंदिर की तुलना कर रहा है फिग ट्री से, अंजीर के वृक्ष से, जो हरा तो दिखता है मंदिर लेकिन अंदर प्रार्थना के बजाय लोग बिजनेस चला रहे हैं। यह है पृष्ठभूमि इस वचन की, समझ में आया आपको। यरूशलेम से लोग, उसको क्या आशा थी, अरे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, चादरें बिछा रहे हैं, ये लोग पक्का आत्मिक होंगे, जब मैं मंदिर जाऊंगा ना तो यही लोग मुझे दुआ प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचा तो क्या देखा, व्यापार, चोरों का गुफा बना दिया तुमने मेरे परमेश्वर पिता के भवन को, चोरों की गुफा। आज के दिन भी मेरे को ये दुख है कहते हुए, कई जगह ऐसा ही हो रहा है, और आज भी जब परमेश्वर देखता होगा ना, उसके दिल को दुख पहुंचता होगा, दुख पहुंचता होगा, क्योंकि वो बड़ी आशा के संग यरूशलेम में प्रवेश किया, लोग नारे लगा रहे थे होसन्ना, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम से आता है राज्य को ला रहा है, परमेश्वर के एक नए निर्गमन को, एक नए एक्सोडस को शुरू कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना को करेगा। लेकिन अचानक से, और यीशु मसीह भी बड़ी आशाओं के संग यरूशलेम में जा रहा है कि मेरे लोग, मेरा इसराइल, मेरा घराना मंदिर में दुआ प्रार्थना करते हुए मिलेगा, लेकिन वहां व्यापार करते हुए मिला। और उसके विपरीत क्या हो रहा है, जब उसने मंदिर को शुद्ध करना शुरू किया, फरीसियों को खुश होने के बजाय, याजकों को खुश होने के बजाय, वो क्या कह रहे हैं, वो यीशु से क्या हो गए। देखिए, पढ़िए मरकुस के सुसमाचार में, अभी हमने पढ़ा, वो यीशु का नाश करने की योजना बनाने लगे। जो जिम्मेदारी फरीसियों की, याजकों की थी, वो यीशु कर रहा है, और जब यीशु कर रहा है फिर भी वो खुश नहीं है, लेकिन उसको नाश करने के बना रहे हैं, उसको नाश करने का योजना बना रहे हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। मरकुस बड़े अच्छे से, एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, मैं उसको बहुत अच्छा कथावाचक कहता, बहुत अच्छा उसने अपनी कथा को प्रस्तुत किया, अपनी कहानी को प्रस्तुत किया। उसने कहा, ये जो अंजीर का वृक्ष है ना, ये मंदिर है, मंदिर, जिस अंजीर का वृक्ष दूर से यीशु मसीह को बहुत हरा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो पास गया ना, उसमें फल नहीं था।
उसी प्रकार से जब यीशु मसीह लोगों के स्वागत को देखकर उसके दिल में आत्मिक रीति से लगा होगा, हाँ ये लोग मेरा स्वागत करते हैं, परमेश्वर के पुत्र का स्वागत करते हैं, उसके राज्य का स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचा क्या देखता है, विपरीत, कोई फल ही नहीं है। तो वो मंदिर की तुलना उस अंजीर के वृक्ष से कर रहा है। ये है उस दृष्टांत का मतलब। अंजीर के वृक्ष से वो यरूशलेम की ओर जाता है मंदिर में, मंदिर को साफ करने के बाद बाइबल में लिखा है फिर से वो शहर के बाहर चले जाते हैं। तो बीच में क्या है, अंजीर का वृक्ष, यरूशलेम, फिर अंजीर का वृक्ष। बाहर जाते वक्त क्या हो रहा है, चेले उस अंजीर के वृक्ष की ओर देखते हैं, राइट, देखते हैं ना उस अंजीर के वृक्ष। 20वें वचन में लिखा है फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा हे रबि देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु मसीह ने जब श्राप दिया ना वो दो बातों को कर रहा था, मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। तो पहली चीज क्या हो रही है यहां पर, पहली चीज मरकुस ये बता रहा है अगर हमारे जीवनों में फल नहीं है तो हमारा न्याय किया जाएगा। ये मायने नहीं रखता मेरा टाइटल क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास क्या प्रभाव है, मैं परमेश्वर को कितना दे सकता हूं या कितना दिया, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। अगर जीवन में आत्मा का फल नहीं है तो प्रभु हमारा न्याय करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। इतिहास, वो पुराना नियम आप उठाकर पढ़ लीजिए, पूरे इसराइल का न्याय हुआ है। और जब इसराइल का घराना असफल हो गया तब परमेश्वर का पुत्र देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया ताकि वो हमारे लिए एक सच्ची दाखलता का उदाहरण बन जाए, एक जगत की ज्योति का उदाहरण बन जाए कि कैसे वो पापियों के बीच रहकर भी, अधर्मियों के बीच रहकर भी, जब उसके पास पूरा मौका था कि वो पाप कर सके, उसने चुना कि वो पाप नहीं करेगा। जीसस हैज ऑल द अपॉर्चुनिटी टू सिन बट ही चोज नॉट टू सिन। यीशु मसीह क्योंकि इंसान था, उसके पास भी वही परीक्षाएं, वही टेम्पटेशन जिसे आप और मैं आज होकर के निकल रहे हैं, उसने भी बाइबल बताती उन्हीं परीक्षाओं को होकर के निकला, लेकिन उसने चुना कि मैं पाप नहीं करूंगा। क्या आप और मैं चुनते हैं ये प्रतिदिन? दाऊद कहता है भजन 119 उसके 11वें वचन में, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमारे दिल में हमने क्यों रखा है, हमारा उद्देश्य क्या है, खाली अपने आप को हरा भरा दिखाने के लिए कि सच में प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे जीवन से आपका फल प्रकट हो जाए, आपका वचन जब मेरे भीतर होगा, जब मैं आप में बना रहूंगा, आप मुझ में बने रहोगे, तब मैं बहुतायत से फल लाऊंगा। अगर हम फल नहीं ला रहे मेरे प्रियो, हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय होगा। और इसी बात को साबित करने के लिए मरकुस इस कहानी में अंजीर के वृक्ष के जो श्राप का जो दृष्टांत है उसको ले आता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह बड़ी आशा के संग यरूशलेम में प्रवेश किया, एक संपरमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए उसका स्वागत हुआ, उसकी आशा थी कि हाँ मंदिर में मैं आत्मिक प्रार्थना को देखूंगा, लेकिन जब वो मंदिर पहुंचा तो क्या हुआ, नहीं देखा, चोरों का घर बना दिया। दैट इज हिज स्टेटमेंट, ये उसका वाक्य है, चोरों का घर बन गया। और दुख की बात तो ये है कि आज भी जब यीशु मसीह इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच विराजमान है, परमेश्वर हमारे बीच विराजमान है, आज भी जब वो देखता होगा ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे झूठे चोर, मैं इन जर्नल कलीसिया की बात कर रहा हूं, विश्व भर में आज रविवार हर कलीसिया अपनी अपनी सभा करेगी, लेकिन आज भी जब वो देखता होगा ना अपनी कलीसिया को, उसके लिए कलीसिया एक ही है जिसका निर्माण वो कर रहा है। हम डिनोमिनेशन से अलग, संस्थाओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह देखता है उसके लिए एक ही कलीसिया है। और वो देखता होगा देखो इसमें भी कितने चोर बैठे हैं, इसमें भी कितने झूठे बैठे हैं, बाहर से तो बहुत हरे हैं लेकिन अंदर कोई फल है ही नहीं, आत्मिकता है ही नहीं, राइट। तो इस बात को साबित करने के लिए वो अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत को मरकुस वहां पर लेकर के आता है। दूसरी बात, पहली बात क्या थी, अगर हम फल नहीं ला रहे हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। दूसरी बात, थिंक अबाउट योर ओन फिग्स, हम अपने फल के विषय में भी सोचें, क्या मैं फल ला रहा हूं, क्या हमारे जीवन में हम इस अंजीर के वृक्ष के समान हैं जो बड़े हरे दिखते हैं लेकिन फल नहीं है। अब इसके बाद आप देखिए चेले जो हैं यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हमें बताओ,
When the disciple asked Jesus to explain, जब यीशु मसीह से चेले पूछते हैं कि हमें समझाओ, तब यीशु मसीह क्या कह रहा है? He talks about prayer, वो प्रार्थना के विषय में बात करता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं, प्रभु हमें सिखाओ, हमें समझाओ इस दृष्टांत का क्या मतलब है, क्योंकि चेले भी देखकर भौचक्के रह गए होंगे कि हमारा प्रभु जो इतना दयालु प्रभु है एक ऐसे वृक्ष को श्राप दे रहा है जो सीजन में, जो कि सीजन है ही नहीं, मौसम है नहीं और फल नहीं है, तो उसकी गलती क्या है? तो वो उनके भी समझ में नहीं आया होगा और वो प्रभु से कह रहे, प्रभु मुझे समझा कि यहां क्या हो रहा है, और इसकी बजाय कि यीशु मसीह उन्हें समझाए, वो प्रार्थना की बात करता है, प्रार्थना की बात करता है। वो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर के नए राज्य की स्थापना करने में उनका सबसे बड़ा हाथ होगा, और वो स्थापना कैसे होगी? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। आज आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर कैसे कर सकते हो? प्रार्थना के द्वारा, विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना के द्वारा। हम लोग 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं ना, 40 दिन हम हर दिन दो चीजों के लिए मुख्यतः प्रार्थना कर रहे हैं, यूपी में सताई जाने वाली कलीसिया के लिए और 18वें लोकसभा चुनावों के लिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु करके दिखाएगा। अगर वो तमिलनाडु में कर सकता है 2009 में, कर्नाटका में कर सकता है पिछले विधानसभा चुनावों में, तो उत्तर प्रदेश कुछ नहीं है। क्योंकि बदलना हमें अपना स्वभाव पड़ेगा कि प्रभु हम इस बात को होते हुए देखते हैं, देखना नहीं चाहते हैं लेकिन हम होते हुए देखते हैं। दैट इज फेथ, ये विश्वास है कि प्रभु विश्वास की आंखों से मैं देखता हूं कैसे उसकी स्थापना को हम करेंगे, उसके राज्य की स्थापना को विश्वास की प्रार्थनाओं के द्वारा। और इसकी बजाय कि यीशु मसीह उन्हें उस दृष्टांत का मतलब समझाए, वो चेलों को क्या बता रहा है कि प्रार्थना की क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। वो ये समझाना चाह रहा है कि इस नए इज़राइल को बनाने में तुम सबसे बड़े यंत्र ठहरोगे, इस नए साम्राज्य की स्थापना करने में तुम सबसे बड़े यंत्र ठहरोगे। ये फिक ट्री का कहानी, ये अंजीर के वृक्ष को श्राप देने का कहानी उस समय के इज़राइल के इतिहास के लिए जितना लागू था, आज के दिन हम सब मसीहों के लिए भी लागू है, हम सब के लिए भी लागू है। हमारे जीवन कैसे हैं, राइट? हमें देखना है क्या मेरे जीवन में फल है। कंसिडर योर ओन फिग्स, क्या जब मुझे कोई देखता है दूर से मैं हरा दिखता हूं लेकिन जब पास आके संग मेरे रहता है ना, तो उसको नहीं पता चलता कि मैं मसीह हूं। कईयों को तो यही नहीं पता, हमारे घर के लोगों को भी मैं मसीह हूं, हम लोग हिडन क्रिश्चियंस हैं। कुछ परिस्थितियों में मैं समझ सकता हूं, कुछ कठिन परिस्थितियों में जहां मतलब जीवन मृत्यु की बात है समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों को खुद शर्म आता है बाइबल उठाने में और ये कहने में कि मैं मसीह हूं। क्या शर्म आता है? यीशु मसीह ने कहा, जब तू मेरा इनकार करेगा, मेरा तिरस्कार करेगा स्वर्ग में, मैं तेरा इनकार और तिरस्कार करूंगा। अगर आज हम इस बाइबल को उठाने में शर्म आता है, तो उस दिन राज्य में जब आप प्रवेश करोगे ना, यीशु मसीह को भी आपको अंदर लेने में शर्म आएगा। मैं कहता हूं आज आप इस बाइबल को उठा लो और जिंदगी भर बाइबल आपको उठाकर चलेगी। आप इस बाइबल को पहला, इस वचन को, इस जीवित वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे दो, प्रभु अपने आप आपको हर जगह पर पहला कर देगा। ये कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल में नहीं प्रचार कर रहा हूं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये मत कि गलत जगह धारणा में मत चले जाएगा। आगे करने का मतलब है, आपको आगे करने का मतलब ऊंचा ठहराएगा, आदर देगा जब आप इस बाइबल का आदर करेंगे। न्यायों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर देम, जो मेरा आदर करेंगे मैं उसका आदर करूंगा। So, मैं कहता हूं इस वचन का आदर करना सीख जाएं तो प्रभु हमारा आदर करेगा। हालेलुया। आज हम अपने आदर की चिंता करते हैं कि अगर मैं नहीं बताना चाहता कि मैं किस स्कूल में हूं, मैं किस कार्यस्थल में हूं ना, मेरे फल अगर इन लोगों ने देख लिया, मैं अपने फल छुपा के रखता हूं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे लंच बॉक्स छुपा के रखते हैं ना कि आज मम्मी ने मुझे कुछ अच्छा बना के दिया, कोई खाना नहीं चाहिए। हम में से कुछ मसीह क्या है ना, हम छुप के रहते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं मसीह हूं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए मेरे बैग में बाइबल है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए मैं प्रार्थना करने में मुझे शर्म आता है। जब वो रिसेस होता है ना, लंच आर होता है, तो मैं दोस्त बैठे रहते हैं साथ में, कैसे प्रार्थना करूं, हम खा लेते हैं, मेरे मन में प्रार्थना करें क्यों? हो सकता है वही एक मौका है जब आपका फल ये लोग जो आपके दोस्त देखने पाए, राइट? आज के दिन हम कैसे इस वचन को लागू करें? हम ऐसे लागू करेंगे कि हमें देखना है क्या मेरे जीवन में फल पाया जा रहा है। यीशु मसीह का दृष्टांत, मरकुस का दृष्टांत साफ दर्शाता, अगर फल नहीं है तो प्रभु श्रापित करेगा, जज करेगा, न्याय करेगा। तो आज के दिन मेरे लिए और आपके लिए बात ऐसे ही लागू है, क्या मेरे और आपके जीवन में ये फल है?
क्या आत्मा का फल गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, धीरज, संयम, प्रेम, आनंद, हमारे जीवन में ये पाया जाता है? ये सवाल का उत्तर आपको खुद देना है। प्रभु यीशु मसीह ने दो बातों को करा जब उसने ये उस पेड़ को श्राप दिया। पहली बात, उसने भविष्य के रूप में बता दिया कि वो मंदिर को भी श्रापित करता है। उसने कहा इस मंदिर को मैं 3 दिन, और जब वो कई सारी चीज़ों को एक साथ बता रहा है, अपने देह की विषय में बात करता है कि मैं इस मंदिर को गिराऊंगा और 3 दिन में फिर खड़ा करूंगा, यानी अपने शरीर को, मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा। लेकिन जब उसने ये कर्स, जब ये श्राप इस पर बोला, तो क्या कह रहा है, मैं मंदिर, और आप ये बात देखोगे 70 ईस्वी में AD में ये बात पूरी मंदिर को मिटा दिया। उस समय के जो सीजर था, रोमन गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जब उसने कूच करा इसराइल के ऊपर, मंदिर को तहस नहस कर दिया, तब मकबीज रिवॉल्ट शुरू हुआ। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, मकबीज का रिवॉल्ट शुरू हुआ था तब मंदिर को मिटा दिया गया। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है, भविष्य के रूप में बता रहा है, श्राप दे रहा है। जैसे ही अंजीर का वृक्ष जड़ तक सूख गया, एक समय ऐसा आ रहा है इस मंदिर का कोई स्थान नहीं होगा, ये मंदिर मिटा दिया जाएगा। और यहूना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय, सामरी स्त्री, एक दिन ऐसा आएगा ना तुम्हें पहाड़ पर आराधना करनी पड़ेगी और ना ही यरूशलेम में, लेकिन सच्चे आराधकों को परमेश्वर खोजता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना को कर सके। हालेलुया। और इसीलिए जो आज की सुबह पास्टर साइमन ने मतलब बहुत अच्छी चीज बोली, ये दीवार मंदिर नहीं है, ये दीवार मंदिर नहीं है, मंदिर आप हो। और मंदिर में यीशु मसीह ने क्या बोला है, मेरा मंदिर किस जगह का भवन कहलाएगा, प्रार्थना का। क्या आपके जीवन में प्रार्थना है, मेरे जीवन में प्रार्थना है कि हम भी उस मंदिर की तरह है जिसको यीशु मसीह भविष्यवाणी की तरह एक कर्स दे रहा है, श्राप दे रहा है कि भविष्य में तू जड़ तक सूख जाएगा। वो मंदिर मिटा दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया। आप पढ़ लीजिए, कभी दोबारा बना नहीं। अभी यरूशलेम की हम दीवार देखते हैं, यहूदियों को देखते हैं, दीवार पर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं वो। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका सिग्निफिकेंस आज तक समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं आप? अब इमारत का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। और वो बोलता है, जिस प्रकार मूसा के संग उसने तंबू में आमना सामना किया, आज हम उसके जीवित तंबू बन गए हैं और आज वो हमारे जीवनों में रहता है। द होली स्पिरिट हैज सील्ड अस, पवित्र आत्मा ने अपनी मोहर को, अपनी छाप को हम पर लगाया। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि हम उसके फल को प्रकट करने पाए। आर वी डूइंग इट? क्या हम ये कर रहे हैं? आज के दिन का सवाल यही है। हमारे व्यक्तिगत जीवन भी हरे पत्तों की समान दिख सकते हैं, बड़ी हरियाली है, बड़ा बिजी हैं हम मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री करने में, सेवा करने में, घर संभालने में। पास्टर्स के संग क्या होता है, मेरे हम लोग कई बार मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो जाते हैं कि दुआ प्रार्थना के लिए समय नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स, आई सेड भाई व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, अरे मैं ट्रैवल कर रहा था तो आज भाई, मैंने बोला व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ट्रैवल, इस सेवा का क्या अर्थ है जिसमें प्रभु और प्रार्थना नहीं। वो एक अच्छा ऑरेटरी स्किल, एक अच्छा प्रवचन बन के रह जाएगा, इसकी बजाय कि वो प्रचार लोगों के दिल को काटे छाटे और बदल डाले। और अच्छे ऑरेटर्स, हम पास्टर से बहुत अच्छे अच्छे ऑरेटर्स मौजूद हैं इस संसार में, हमें उन ऑरेटर्स से, अच्छे वक्ताओं से क्या अलग करता है, वो पवित्र आत्मा, वो प्रार्थना का जीवन। हमारे प्रियो, मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को संसार से क्या अलग करता है, एक फलवंत जीवन हमें अलग करता है। जब एक गैर विश्वासी, एक गैर मसीही एक कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को श्राप देना शुरू करता है, हम पलट कर कहते हैं प्रभु तू ही धन्य है, तू ही देता है, तू ही लेता है, धन्य हो तेरा नाम। हालेलुया। यह है वो अंतर। एक गैर विश्वासी जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, वो झूठ भी बोल लेता है, चोरी भी कर लेता है, समझौता कर लेता है, लेकिन एक मसीह कौन है, एक गलत से कठिन परिस्थिति में, बड़े से बड़े तूफान में, बड़े से बड़े चुनौती में, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरे फल को प्रकट करने पाऊं। हम स्थिर बने रहते हैं। ये है जो हमें दूसरों से अलग करता है। और अगर हम भी इसराइल की तरह वही गलती करेंगे तो इतिहास दोबारा दोहराने में पीछे नहीं होगा, प्रभु न्याय करने में पीछे नहीं होगा। जो गलती इसराइल ने करी, वो गलती हमारे लिए एक उदाहरण है, उनसे हम सीख सकते हैं पुराने नियम से, क्योंकि प्रभु ने उनको जगत की ज्योति, जगत के लिए फलवंत होने के लिए ठहराया। और नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मैं जगत का नमक और जगत की रोशनी, ज्योति होने के लिए ठहराता हूं। हम में से कौन कौन रोशनी बन रहे हैं? वी आर सेविंग द सेव, जो बचाए गए हम उन्हीं को बचा रहे हैं हम। वी आर प्रीचिंग टू दी ऑलरेडी प्रीच्ड, जिनको पहले ही सुसमाचार मिल गया उन्हीं के बीच प्रचार कर रहे हैं हम। वी आर बैप्टाइजिंग दी ऑलरेडी बैप्टाइज, जो पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं हम उनको बपतिस्मा दे रहे हैं। मेनी चर्चेज आर डूइंग इट, वेरी सैड टू से दिस। अच्छा तुमने वहां बपतिस्मा लिया था, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पास आओ, मैं दोबारा बपतिस्मा दूंगा।
आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस पास्टर, मैं इसराइल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यर्दन नदी में मुझे बपतिस्मा लेना है, उसी नदी में यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था. वॉट इज द सिग्निफिकेंस, वॉट इज द सिग्निफिकेंस देयर, वॉट डज बैप्टिज्म सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज योर डेथ एंड द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन यू. प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो आप में जिंदा होता है और आपका मैं जब मर जाता है, दैट इज व्हाट बैप्टिज्म. तो आप, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, राइट? तो हमारे व्यक्तिगत जीवन भी हरी पत्तियों के समान, उस अंजीर वृक्ष की तरह दिख सकता है जिसमें पत्तियां तो बहुत थी, हरा तो बहुत था, लेकिन फल नहीं था. हमारी हरी पत्तियां किस तरह हो सकती हैं? हमारी हरी पत्तियां हो सकती हैं, मैं एक सुपर मॉम हूं, मैं एक अच्छी बड़ी अच्छी माँ हूँ, किचन भी संभाल रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, स्कूल के लिए भी भेज रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं है, वचन में मेरा समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, सब कर रही हूँ मैं, लेकिन वचन और प्रार्थना के लिए समय नहीं है. हमारा हरी पत्तियाँ किस तरीके से हो सकती है? मैं एक बहुत अच्छा मसीह हूँ, मैं संडे को भी चर्च जाता हूँ, हर प्रार्थना में भी जाता हूँ, लेकिन पास्टर साहब मैं प्रार्थना करता नहीं हूँ, मुझसे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे 10 साल हो गए कलीसी आते हुए, लेकिन मुझे प्रार्थना नहीं करना आता आज भी. पास्टर साहब पहले जब मैं ना, जब नया नया कलीसिया में आया था, तब भी मैं नीति वचन पढ़ता था, आज भी मैं नीति वचन पढ़ रहा हूँ. फिर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आगे बाइबल में सुसमाचार किया है. सी दैट इज व्हाट, हमारी हरी पत्तियां कैसी दिखती हैं? ऐसी ही दिखती हैं, मैं या तो बड़ा सुपर मॉम हूं, पूरा घर संभाल रही है, पूरी दुनिया संभाल रही है, ऑफिस भी जा रही हूं, काम भी कर रही हूं, लेकिन जीवन में प्रभु नहीं है. या तो एक सुपर डैड हूं, अपने लिए भी मैं कहता हूं एक सुपर, हम लोग अच्छे पास्टर्स हैं, लेकिन जीवन में प्रार्थना नहीं तो क्या फायदा? प्रभु अगर साथ नहीं तो क्या फायदा? वो कहते हैं ना, जैसा कि ग्रीक हिब्रू और ये सब जानने का क्या फायदा जब अभिषेक ही नहीं है. वी हैव अ जोक, दे से दे हैव अ बीडी बट देर इज नो फायर. समझ में आया कि उनके पास बीडी है, बैचलर ऑफ डिविनिटी, लेकिन उसमें आग नहीं, पवित्र आत्मा का आग नहीं, देन व्हाट इज द यूज, उसका फायदा क्या? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि हमारी हरी पत्तियां क्या हैं? हो सकता है हमारे पास वो पवित्रता का फल नहीं, परमेश्वर के संग एक गहरे रिश्ते का फल नहीं, परमेश्वर के संग प्रतिदिन आमना सामना करना, उससे बातचीत करना, उससे सुनना नहीं, और यही हरी पत्तियां हमारा, हमें मूर्ख बनाती हैं. क्या? अरे मैं तो प्रभु में हूं, है ना, मैं प्रभु में, मैं संडे को चर्च जाता हूं, तो मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ना पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, बहुत काफी है. सो व्हाट इज आवर ग्रीन लीव्स, हमारी हरी पत्तियां क्या हैं? वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट दिस, बिकॉज द बाइबल सेज अ टाइम इज कमिंग एंड हैज कम. हम अंत दिनों के अंतिम पलों में जी रहे हैं. एंड आवर सीनियर पास्टर हैज प्रीच्ड, हमारे वरिष्ठ पास्टर ने बहुत प्रचार इसके विषय में किया है. हम में से कितने तैयार हैं, अगर आज यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो हम उसके संग उठा लिए जाएंगे? मैं तो इसी दिन की तैयारी कर रहा हूं, प्रभु मैं चूक ना जाऊं. पौलुस कहता है मैं हर दिन अपनी देह को मार कर अनुशासन करता हूं, ताकि उस प्रतिफल को पाने से ना चूक जाऊं जिसके लिए मैं दूसरों को तैयार करता हूं. वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना एक लाभ है. और ये वही व्यक्ति कह सकता है हियाव के संग, जिसको पता है वो सच में एक फलवंत जीवन को जी रहा है. जब वो जीवित है तो मसीह के फल उसके जीवन से प्रकट हो रहा है, और अगर वो मरेगा तो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के संग होगा. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है, और ये कोई गलती नहीं थी कि मरकुस यहां पर ये अंजीर वृक्ष के श्राप को देने के लिए अचानक से ले आया इस कहानी को. वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, और एक बात को साबित करना चाह रहा था कि प्रभु हर एक उसका न्याय करेगा जो फलवंत नहीं होगा. हम अपने जीवन को जांचें आज की सुबह, आज की सुबह अपने जीवन को हम परखें, क्या प्रभु मेरे जीवन में आपका फल पाया जाता है, या मैं भी नामधारी मसीह बन के जी रहा हूँ, बाहर से तो बहुत हरा हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई फल नहीं है. इस पीटर हेयर, पीटर इज हेयर, आइए हम सब अपने स्थान पर आंखों को बंद करेंगे. टिम मे बी यू कैन हेल्प अस विद द कीबोर्ड. आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर एक गीत आज की दोपहर में गाना चाहता हूं, और ये गीत एक प्रार्थना है कि प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना दे प्रभु. सो वी आर गोना सिंग दैट सॉन्ग, और होने दे आज की
दोपहर ये हमारा प्रार्थना होने पाए, प्रभु मुझको ऐसा बना दे कि मैं तुझको पसंद आऊं, दुनिया को पसंद आऊं या ना आऊं, दुनिया को प्रसन्न कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो जाओ। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय लेकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे और परखेंगे कि प्रभु क्या मैं भी उस अंजीर के वृक्ष की समान हो गया या हो गई हूं, जो बड़ा हरा दिखता है दूर से लेकिन जब कोई निकट आता है तो पता चलता है जीवन में कोई फल है ही नहीं प्रभु। और यदि ऐसा है प्रभु तो उन जगहों को काट छाट और मुझे उन बातों से अलग कर जो मुझे फल लाने से रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आज की दोपहर आपका जीवन का कौन सा वो स्थान है, कौन सी वो चुनौती है जो आपको फल लाने से रोकता है, लेकिन हम सबको अपने जीवन को जांचना और परखना है। क्या हम भी बड़े हरे दिखते हैं, क्या किसी और बात ने प्रभु का स्थान ले लिया है? आज की सुबह होने दे, प्रभु आप मेरे जीवन का पहला स्थान बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और रिखा बाबा शिखे रे बेबे, प्रभु मुझे बदल और मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझको पसंद आने पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखा बाबा शिखे रे बेबे शाम दुरु बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखे तेरी आदतों को भर दे मेरे अंदर, तेरी चाहतों को भर दे मेरे अंदर, तेरी आदतों को भर दे मेरे अंदर, तेरी चाहतों को भर दे मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हाथ उठाकर एक प्रार्थना को हम करें, ऐसा मुझको बना प्रभु, मुझे बना और बदल दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। रिखा बाबा शिखे रे बेबे शांदर बोरिखा। कई बार हम अपने मन की सुनकर करना चाहते हैं, लेकिन आज की सुबह आप परमेश्वर से सुने और उसके वचन के अनुसार खड़े, और जब हम उसके वचन को पहला स्थान देंगे, अपने आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, अपने आप उसका फल हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए लत तेरी कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को, मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना होने पाए, मेरे अंदर हमें अपने जैसा से बना ताकि हम फल लाने वाले, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल